My name is Saifullah Siddiqui. I am the principal architect of DB Studios. हम लोग 2006 से इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं. I graduated from NCA. और we are doing multiple projects in Islamabad, Karachi, all the major cities and also internationally. And mashallah, we have earned awards and recognition. ये जहांजेब दास साहब का जो घर है, बेसिकली इसकी जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है. जहांजेब और जुनैरा मेरे पास आए थे व्हेन आई वाज सेटिंग अप माय ओन ऑफिस. सो चीज़ें हिली हुई थी और हम लोग ख़ुद सेटल नहीं थे, लेकिन वो लोग आए और इनकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल सी थी. इनके पास प्लॉट बड़ा अच्छा था और इनकी रिक्वायरमेंट थी कि ऐसा घर हो जिसमें इनकी अपनी फैमिली, इनके बच्चे और इनके पेरेंट्स जो हैं वो मिलके रहें और जहांजेब अपने फ्रेंड्स को इंटरटेन कर सके हर तरह से. सो ये प्लॉट बड़ा मज़े का था. इसके बाद जहांजेब की एक सोच थी कि घर के अंदर एक रेन फॉरेस्ट हो सेंटर में. ही टुक मी टू शमा उस्मान्स हाउस एंड ही शोड मी दैट हाउस. और ऑब्वियसली उनका काम देखने वाला था एंड आई गॉट इम्प्रेस्ड. एंड अब चैलेंज यही था कि इस प्लॉट पे उनकी एक ख़ास स्पेशल रिक्वायरमेंट में वो चीज़ कैसे पूरी की जाए. हाउस बीइंग इंट्रोवर्ट, आई थिंक इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि फ्रंट पे ऐसा कोई व्यू नहीं है और अगर सेंट्रल कोर्ट एक हो तो फिर वो पूरे घर को टाई करता है. यहाँ से बात शुरू हुई. द प्लॉट वॉज 80 बाई 140 और द कवर्ड एरिया ऑफ दिस हाउस इज अप्रॉक्सीमेटली 13,000 स्क्वायर फिट. सो इट हैज़ इन टोटल 5 बेडरूम्स, लिविंग एरियाज, फॉर्मल एरियाज एंड देन इन द बेसमेंट इनके इंटरटेनमेंट एरियाज और इनका ऑफिस है. अगर इस घर का बर्ड आई व्यू लिया जाए तो इट्स अ यू शेप्ड हाउस और सेंटर में वो सेंट्रल कोर्टयार्ड है जिसको तमाम कमरे देख रहे हैं और वो तमाम कमरों को देख रहा है. एक तरह से वो पूरी घर की स्पेसेस को टाई करता है अपने साथ. इसमें फिर इंटरेस्टिंगली बाद में जब इट वाज नियर यू नो कंप्लीशन ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर, जहांजेब बॉट दिस राइट साइड प्लॉट विच वाज हाफ ऑफ दिस 80 बाई 140. अच्छा, वो तो खैर ऑब्वियसली उसकी लॉन स्पेस बढ़ गई, लेकिन हमारे लिए ये चैलेंज था कि हाउ टू मेक इट वर्क प्रैक्टिकली, बिकॉज वो तो इनिशियली डेड साइड थी. सो जब उधर लॉन इन्होंने ले लिया, स्ट्रक्चर बन चुका था. सो देन वी सैट टुगेदर एंड वी यू नो डिस्कस्ड कि क्या करें, तोड़ें, दोबारा बनाएं बैक का एरिया. लेकिन फिर वी टुक अ डिज़ाइन डिसीजन और वी बेसिकली स्वैप द रियर एरिया ऑफ द हाउस. सो इनिशियली द किचन वॉज ऑन दिस साइड फेसिंग द न्यू लॉन एंड द मास्टर बेडरूम्स वॉज ऑन दिस साइड. नाउ वॉट वी डिड वॉज वी स्वैप द होल प्लान और वो किसी तरह हो गया. तो बड़ा मज़ा आता है जब प्रॉब्लम्स आती हैं. हर चीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसका अगर एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकल आए तो नथिंग लाइक इट. इस मास्टर बेडरूम में जो कि नए लॉन को फेस करता है, इट हैज़ अ पिलर, लेकिन उस पिलर को इंटीरियर में हमने रिजॉल्व किया है जस्ट बिकॉज कि वो इट गॉट स्वैप्ड. सो द हाउस इज यू शेप्ड. इसके दो फायदे थे. एक तो ये कि एवरी वन इज़ नाउ लुकिंग एट दिस ट्री इन द सेंटर, बट दे आर बिकॉज इट्स यू शेप द स्पेसेस आर लुकिंग एट ईच अदर टू. सो जो घर में एक फैमिली बॉन्ड होता है वो तभी होता है जब आपको घर वालों की चलने फिरने की आवाज़ें आ रही हों, आपको एक कमरे से दूर कोई कमरा या टेरेस नज़र आ रहा हो, तो आपको एक एहसास रहता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डू यू ऑर्गेनाइज ऑल दी स्पेसेस टुगेदर. ये तो इसकी हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस हैं. इसकी वर्टिकल कनेक्शंस फिर हमने बेसमेंट से शुरू किए. सो वी स्टार्टेड गिविंग सनकिन पेशियोज इन द बेसमेंट. सो
actually, if you are standing in the sunken patio, you can look at the first floor lounge, you can look at the master bedroom on the first floor, on the ground floor. So everything is connected. That's what is beautiful about this house. इसी तरह अगर आप टेरेस पे हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो ड्रामेटिकली वो जो स्पेस में डेप्थ बनती है, यू कैन एक्चुअली लुक एट द बेसमेंट सनकन पेशियो. सो एवरी थिंग इज कनेक्टेड. ये इस घर की, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस हाउस, के किस तरह से उसने एक फैमिली को कनेक्ट किया हुआ है थ्रू दीज वॉइड्स एंड विजुअल डेप्थ्स. So later on, when Israr sahab joined us as the landscape architect, unko humne samjhaya ki ji ye is tarah hona chahiye. So he had some other vision, aur unka vision shuru mein hame samajh nahi aaya, jahan se ko bhi mujhe bhi, lekin aahista aahista mujhe unki baat samajh aana shuru hui. Because what he was saying is ke jo materiality ghar ki hai aur jis tarah se ek ट्रेवर्टीन का जो कैरेक्टर है, विच इज़ वेरी रॉ एंड वेरी, इट हैज़ अ कैरेक्टर ऑफ एजिंग, उसके साथ एक एज्ड ट्री होना बड़ा लाजमी है. सो फाइनली ये ट्री, जो कि एक बहुत ओल्ड ट्री है, दिस इज़ फाइकस बेंजामिना. इसकी फ्रंटल एलिवेशन देखें तो आपको जो इसका यू शेप्ड मास्टर प्लान है वो फ्रंट से ही नज़र आता है. सो यू कैन सी द होल ट्री इन द मिडल ऑफ द हाउस. लेकिन उसके साथ उसकी जो वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन है घर की, वो ये है कि कहीं एक वॉल्यूम फर्स्ट फ्लोर पे उसको छुपा रहा है और कहीं ग्राउंड फ्लोर पे वो दिख रहा है. सो इट्स नॉट विजिबल फुली. उससे एक एलिमेंट ऑफ सस्पेंस क्रिएट होता है पूरे आर्किटेक्चर में, और बड़े मज़े का एक आपको एक सॉलिड, एक हैवी ट्रेवर्टीन के ब्लॉक के अंदर एक कटआउट नज़र आता है जो कि खाली है और उसमें एक ग्रीन ट्री रखा हुआ है. सो इस घर में दो एंट्रेंसेज हैं, वन इज़ द फैमिली एंट्रेंस एंड द अदर इज़ द फॉर्मल एंट्रेंस. सो आप फैमिली एंट्रेंस में जब जाएँ तो यू एंटर इनटू दिस लॉबी, विच इज़ अ डबल हाइटेड लॉबी. और इसमें अगर आप आएँ तो यू कैन सी द फर्स्ट फ्लोर, यू कैन सी द कॉरिडोर्स, यू कैन सी द पैसेजेस ऑन द फर्स्ट फ्लोर. इसके करने का मकसद यही था कि अगेन जो फैमिली बॉन्ड हमने रिटेन रखना है वो हम रख पाएँ, और एवरी वन फ्राम द फर्स्ट फ्लोर कैन लुक डाउन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, इसी तरह वाइस वर्सा. घर को देखें तो इसके लेफ्ट विंग जो है, दैट इज़ द फॉर्मल विंग, जिसमें यूजुअल स्पेसेस, फॉर्मल सिटिंग एरिया, फैमिली डाइनिंग एंड गेस्ट डाइनिंग, पाउडर रूम वगैरह. द डाइनिंग रूम इज़ लुकिंग इनटू द सेंट्रल कोर्टयार्ड. इस तरफ आएँ तो देर इज़ द फैमिली लाउंज, जो कि अगेन बाहर वाले लॉन से भी कनेक्टेड है. जो ट्री है वो भी द सेंट्रल पेशियो is visible from the lounge. So this side is all services, and then this left side is master bedroom and guest bedroom. So in totality, ground floor has two bedrooms, jisme ek guest bedroom hai aur ek master bedroom hai. So first floor pe aap jaye to ऊपर जहाँ जेब का अपना यूनिट है, एज आई टोल्ड यू इट्स अ सिंगल यूनिट हाउस. सो लेकिन उनकी अपनी प्राइवेसी रखने के लिए हमने थोड़ी सी स्पेसेस को ऑर्गेनाइज इस तरह किया है कि उनकी प्राइवेसी भी रहे. सो ही हैज़ थ्री बेडरूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर. द मास्टर बेडरूम इज़ द वन विच इज़ प्रोट्यूडिंग आउट ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और ये स्पेस ऐसी है जो कि कैंटिलीवर हो रही है, इस ट्री को थोड़ा सा छुपा रही है.
So right now I am on the upper floor, और मेरे पीछे as you can see the courtyard and the tree. So मुझे यहाँ से living room, dining room भी नज़र आ रहे हैं और spaces नज़र आ रही हैं, लेकिन at the same time मैं courtyard को भी देख रहा हूँ. So एक तरह से courtyard तमाम spaces को again visually tie कर रहा है. So I am on the bridge right now. So यहाँ भी मेरे void है, इधर भी void है, और यहाँ से मुझे पूरे घर की circulation, first floor, ground floor circulation हर वक्त नज़र आ रही है. फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टिंगली हमने पहले एक प्रॉपर स्टेकेस दी थी, लेकिन बाद में क्लाइंट के साथ मिलकर डिसीजन हुआ कि इतनी बड़ी स्पेस हमें नहीं चाहिए स्टेकेस के लिए. सो लेट्स हैव अ कॉम्पैक्ट स्पेस फॉर क्लाइंबिंग ऑन द रूफटॉप. सो हमारे पास स्पेस बड़ी लिमिटेड थी और उसमें वी हैड टू कम अप विद अ स्टेकेस जिससे आप लोग ऊपर जा सकें. सो यहाँ पर हमने फिर मेटल में और प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में अल्टरनेट ट्रेड्स के साथ स्टेकेस डिज़ाइन की, और वो फॉर्चुनेटली बड़े मज़े का उसका कैरेक्टर निकला. उसकी बैक वॉल पे हमने सारा स्टोन क्लैड कर दिया, सो इट बिकेम इटसेल्फ अ वेरी गुड फीचर ऑफ द होल हाउस. सो राइट नाउ आई एम इन द लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम, और यहाँ से अगेन मुझे पीछे ट्री नज़र आ रहा है. सो इट्स वंडरफुल हाउ I see the tree from everywhere. जहाँ भी मैं जाऊँ मुझे यही दरख्त नज़र आता है. और ये जो डाइनिंग और लाउंज है ये फ्रंट टेरेस के साथ कनेक्टेड है. आइए मैं दिखाता हूँ. First floor पे there is this beautiful terrace facing the Margla Hills, and इस टेरेस में we played with the parapet levels. इस तरह के कोई भी जो कि टेरेस पे बैठा हो उसको रोड से कोई ना देख सके, और बड़े मज़े की विजुअल कनेक्शन आपको अगेन स्पेस टू स्पेस मिलती है. लेकिन जब आप टेरेस पे जाते हैं सो मास्टर बेडरूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर और द टेरेस, इट हैज़ अ ब्यूटिफुल विजुअल कनेक्शन जो कि आपस में इतना करीब भी हैं. सो देर इज़ हार्डली 8 foot डिस्टेंस बिटवीन द टू, बट नोबडी कैन यू नो कम ऑन द टेरेस फ्रॉम द बेडरूम. सो अगेन जब टेरेस पे भी हों तो यू कैन सी द हाउस, यू कैन सी द पीपल मूविंग हेयर एंड देयर इन द हाउस. So now let's go to the rooftop. अभी मैं बेसमेंट में हूँ और जहाँ जेब के स्टडी में बैठा हूँ. सो एज़ यू कैन सी एवरी रूम हैज़ अ व्यू. दिस इज़ अ संकन पेशियो, देर इज़ अनदर इन फ्रंट ऑफ मी, और मल्टीपल एरियाज़ में डिफरेंट किस्म के लैंडस्केप हुए हुए हैं संकन पेशियो में. यहाँ से अगर मैं ऊपर देखूँ तो जैसे मैंने पहले बात की थी कि द ट्री इज़ विजिबल फ्राम ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो यहाँ से मुझे एक बूढ़ा सा ट्री नज़र आ रहा है जिसकी प्रॉप रूट्स नीचे आ रही हैं. कई दफ़ा मुझे लगता है कि ये ट्री इतना बूढ़ा है कि एक तरह से एक बाबा जी हैं जो बैठे हुए हैं और घर वालों की हिफाजत कर रहे हैं, तो उसका कैरेक्टर क्योंकि इतना पुराना दरख्त है वो. सो आई लव द फीलिंग ऑफ इट्स लाइक गिविंग रिस्पेक्ट टू इट्स एज, द ट्रीज एज, एंड पुटिंग इट इन द सेंटर ऑफ द हाउस. अब हम बात थोड़ी इसकी मटेरियल्स पे करते हैं क्योंकि इसके फिनिशिंग मटेरियल्स पे काफ़ी मेहनत हुई है.
So as you can see, the whole house is cladded with travertine. और इसमें फिर जो इंटीरियर के कुछ सरफेसेस हैं उनमें हमने पेंट यूज़ किया है ऑन प्लास्टर, और पेंट का कलर जो है वो बड़ा सोच समझ के, क्योंकि द ट्रेवर्टीन हैज़ ग्रे एंड बेज बोथ कलर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेवर्टीनो क्लासिको. जब ट्रेवर्टीनो सिल्वर में जाते हैं तो इट्स ऑल ग्रे, बट ट्रेवर्टीनो क्लासिको इज़ बेज एंड ग्रे. सो द पेंट हैड टू बी ग्रे एंड येलो और बेज. सो वो एक स्वीट स्पॉट हमें चाहिए था पेंट के कलर का. सो उस पर काफ़ी सैम्पल्स लगे. और सो अब अंदर बाहर आप जब जाएँ, यू कैन सी ट्रेवर्टीन एंड अ फ्लैटर सरफेस विच इज़ पेंट. एंड ट्रेवर्टीन इज़ बीइंग यूज्ड डिफरेंटली ऑन डिफरेंट एरियाज. इसमें एक जगह पे हमने स्लैब लगाए हैं, लेकिन कई जगह पे हमने एक एरिया को एम्फसाइज करने के लिए उसका स्प्लिट फेस लगाया है. और ये सारी ट्रेवर्टीन की जो सिलेक्शन है, डिसीजंस हैं, ये सब मैंने और जहांजेब ने इटली जाके की, और बड़े मज़े का ट्रिप था. सो वो इट्सेल्फ ट्रैवलिंग और सर्चिंग फॉर द आइडियल मटेरियल फॉर द हाउस, वो इट्सेल्फ एक जर्नी है, जो कि बड़ा मज़ा आता है जब क्लाइंट्स ऐसे हों. सो ये वी बॉट दिस ट्रेवर्टीन फ्रॉम टवली, और स्प्लिट फेस स्लैब्स, फिर उसके पेबल्स फॉर्म में ट्रेवर्टीन. उसके बाद फिर जब इट वॉज नियर यू नो कम्प्लीशन फिनिशिंग, देन वी वेंट टू इटली टू गेट फर्नीचर. वी वर्कड विद एन इटालियन टीम ऑफ डिज़ाइनर्स, और उनके साथ बैठ के एक एक फर्नीचर की सिलेक्शन, उसकी फैब्रिक की डिसीजन, उसकी लेग्स की डिसीजन क्या होगा, उसका लेग जो है किस तरह से बात करेगा टेबल के साथ, उसका फैब्रिक किस तरह से बात करेगा ट्रेवर्टीन के साथ, ट्रेवर्टीन किस तरह से बात कर रही है पेंट के साथ. सो वो जो एक डेढ़ महीना हम लोग मिलान में रहे हैं, वो क्योंकि एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोग गए थे, तो बहुत मज़ा आया. और एक एक चीज़ की सिलेक्शन जो है वो बड़ी, उसमें बहुत टाइम लगा है. सो अब एज़ यू कैन सी कि एवरीथिंग हेयर इज़ डिज़ाइंड. Basement has a simple plan. Right now I'm in the study, or we have a gym, then we have the service areas. Uske baad at the right side corner we have the sauna. Sauna ke saath bade maze ka ek zen patio diya hai jisme badi dark gloomy si light hai. Phir we have a movie theater in the right side of the house, or that was designed by Dennis Erskine, who's a Dolby Sound Certified Architect. Then we have the you know, the guest unit. We have the bedroom and we have the lounge. Here obviously पेशो की तरफ देख रहे हैं सब कुछ. Architecture to me is simple. It's a problem that an architect solves. So उसके बाद की कहानी जो है वो कई दफ़ा कहानी होती है, और कई दफ़ा वाकई में उसमें डिटेल में आर्किटेक्ट जाता है. लेकिन मैं देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे फेलोज़ हैं, कई दफ़ा हम लोग एक कॉन्सेप्ट डालने के लिए बहुत आगे तक चले जाते हैं, और बैक पे जो रियल प्रॉब्लम थी साइट की, साइट पर जाना, उसको देखना, उसको सुनना, आवाज़ों को सुनना, हवा को फील करना, नेबरहुड को देखना, नेचुरल फीचर्स को देखना. सो
वो बड़ा ज़रूरी है, जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आप यू कैन नॉट सॉल्व. यू कैन मेक अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग लेकिन द प्रॉब्लम विल बी स्टिल देयर. कलेक्टिव हार्ड वर्क आई वुड से. जहाँ जेब के साथ मेरा जितना टाइम गुजरा है, 2012 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, आज 2019 है, तो 7 साल का ये जो सफ़र है इसमें घर तो बन गया लेकिन मेरा क्लाइंट मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया. सो घर रोज़ाना बनते हैं लेकिन अच्छे दोस्त इस तरह से बनना जिसमें हम लोगों ने इतना सफ़र किया, यूरोप गए, सब चीज़ें देखी. और मुझे यकीन है कि मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ, आर्किटेक्ट्स होते हैं, जहाँजेब में भी वो परफेक्शनिस्ट वाली क्वालिटी कहीं से आ गई और हमने मिल के एक मेहनत की है, काविश की. आई वुड कॉल दिस हाउस एज काविश. सो राइट नाउ 7 साल के बाद घर बन जाना और उसमें फर्नीचर, उसमें एक एक डेकोरेटिव का रखा जाना और फिर लोगों का देखना, वो इट्स लिटरली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एंड जहाँजेब. एज सच कोई मेरी डिज़ाइन की कोई फिलॉसफी नहीं है. फिलॉसफी इज़ अ बिग वर्ड फॉर मी. अभी हम सीख रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ, मुझसे लोग सीख रहे हैं, सीखना चलता रहता है. डिज़ाइन प्रोसेस जब शुरू होता है तो जैसे मैंने कहा, प्रॉब्लम्स को सही तौर पे समझना इज़ एन आर्ट, इज़ रियली यू नो द रियल थिंग. उसके बाद डिज़ाइन पे पहली लाइन लगाना, इट्स अ डेंजरस पोजिशन टू बी इन. लेकिन जब आप साइट पे जाते हैं आपको डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं और यू स्टार्ट स्केचिंग, यू स्टार्ट प्लेसिंग द स्पेसेस, यू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग द स्पेस, देन यू स्टार्ट मेकिंग स्मॉल 3D स्केचेस जिसमें आप फॉर्म और फंक्शन को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं. सो ऑब्वियसली आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ फॉर्म शुड फॉलो फंक्शन. इफ़ इट्स अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग एंड इट्स नॉट वर्किंग एंड इट्स नॉट यू नो फंक्शनिंग, सो देयर इज़ नो पॉइंट. आर्किटेक्चर इज़ नॉट अ स्कल्पचर, इट्स अ स्कल्पचर वेयर पीपल आर लिविंग इन. इट्स लाइक यू नो जिसे आप थर्ड स्किन कहते हैं. सो इस तरह से हम प्रोजेक्ट को अप्रोच करते हैं. फिर ऑब्वियसली हमारी टीम जो है, इट्स मेड अप ऑफ अ फ्यू वेरी गुड आर्किटेक्ट्स. आसिम, आई मस्ट से आसिम ने इस पे बड़ा काम किया था इस प्रोजेक्ट पे. और मेरी पूरी टीम जो है वो ज़ाहिर है मेरे साथ रह रहे के प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम लोग बहुत टाइम गुजारते हैं. अपकमिंग आर्किटेक्ट्स जो हैं वो, उनको मैसेज सिंपल सा है. हम जब कॉलेज से निकले थे तो हमें एक फियर था कि जी हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे. तब अब समझ आया है कि सक्सेस, द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन. कई लोगों के लिए पैसा शोहरत होती है, कई लोगों के लिए गाड़ी होती है, कई लोगों के लिए काम होता है. तो डोंट थिंक अबाउट अदर्स के दूसरे लोग कहाँ पहुँच गए. आपने अपना देखना है और आपने देखना है कि आप एज एन आर्किटेक्ट यू हैव टू बी दैट सेंसिटिव कि आप इंसानियत के लिए कुछ कर रहे हैं, आप उस बंदे के लिए कुछ कर रहे हैं जिसने आपकी उस ज़मीन के टुकड़े पे इतने पैसे लगाने जा रहे हैं. सो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, उसकी वेट को शोल्डर्स पे कैरी करना और उसको एक्चुअल प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करना, आई थिंक ये बेसिक सी चीज़ है. जो एम अगर ये बन जाए तो फिर बाकी चीज़ें हो जाती हैं. आई थिंक लोकल आर्किटेक्चर इंडस्ट्री का बूम जो है वो तभी आएगा जब हम लोग अपने काम से प्यार करेंगे और दूसरों के या वेस्टर्न काम को एक हद तक देखेंगे. ऑब्वियसली इंस्पिरेशंस होती हैं लेकिन अपकमिंग आर्किटेक्ट्स को और जनरली आर्किटेक्ट्स को ये समझना चाहिए कि यहाँ जो भी आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने लोकल प्रॉब्लम को लोकली सॉल्व किया विद लोकल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी. सो आई थिंक आर्किटेक्ट्स का काम दिखाना और
यंग आर्किटेक्ट्स को रियलाइज़ कराना, क्लाइंट्स को रियलाइज़ कराना कि हम किसी से कम नहीं हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जब ये होगा, अपने काम पे बंदा फ़ख्र महसूस करेगा, तब हम लोग उस होल से निकलेंगे बाहर। टू बी अ गुड आर्किटेक्ट इज वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स डेंजरसली डिफ़िकल्ट। आपकी फैमिली है, आपने उनको भी टाइम देना है, आपने अपना काम भी करना है और काम को सही करना है। इतना आसान नहीं है, लेकिन दो तरह के लोग होते हैं हमेशा, जो हार मान जाते हैं, कहते हैं जी जो कह रहा है बना दो। लेकिन एक आर्किटेक्ट वो होता है जो कि क्लाइंट को एजुकेट करता है, उसको समझाता है कि जी ये आपके लिए गलत है और ये चीज़ आपके लिए सही है। आई थिंक क्लाइंट समझ जाता है। ऑब्वियसली यू कांट गिव अप, आपने देर इज़ अ फाइट गोइंग ऑन, आपको पुश करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। सो मेरे लिए ये एक रूटीन बन गया है क्लाइंट्स को इस तरह से मनाना, और लोग मान जाते हैं, चीज़ बन जाती है। सो लेकिन उसके लिए आपको बहुत सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। सो अगेन एज आई सेड, यू नीड टू डिसाइड, एवरीवन नीड्स टू डिसाइड व्हाट इज सक्सेस फॉर देम। ये डिसीजन लें और उस पर फिर कायम रहें।